टू रोबस्ट बाजार। आज हम बात करेंगे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स स्टॉक के ऊपर। आज है 31 मई, तो आज के जो टॉप गेनर्स रहे हैं उसमें जिंदल सौ का नाम फिर से वापस हिटलिस्ट में है। सबसे ऊपर 15.5% की तेज़ी देखने मिली। सोजलोन एनर्जी भी काफ़ी समय बाद तेज़ी में दिखाई दिया 10% की तेज़ी के साथ। टेग इंडस्ट्रीज़ में भी 10% की तेज़ी दिखाई दी। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ में भी 9.63% की तेज़ी दिखाई दी। यूरेका फोब में 9.39% की तेज़ी। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में भी 9.26% की तेज़ी देखने मिली। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी 8.34% की तेज़ी देखने मिली। इसके बाद जो स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति 8.24, अरविंद लिमिटेड में भी 7.58% की तेज़ी देखने मिली। टोरेंट फार्मा में भी 7.55% की तेज़ी देखने मिली। एस्ट्राजेनेका फार्मा भी 6.9% की तेज़ी देखने मिली। आज टिक्सन में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली 5.5% की। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स में भी 5.32% की तेज़ी देखने मिली। गोकुल दास एक्सपोर्ट में भी 5.29% की तेज़ी देखने मिली। तो ये थे आज के टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप लूजर स्टॉक के ऊपर। तो सबसे पहले नाम आता है KRBL लिमिटेड, 9.65% की गिरावट के साथ बंद हुआ। DB Realty जो कि कल टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल था सबसे टॉप पे, आज उसमें गिरावट देखने मिली 6.76% की। नेशनल स्टैंडर्ड में भी 5% की गिरावट देखने मिली। मिर्ज़ा इंटरनेशनल से 4.83% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अदानी टोटल गैस में भी 4.77% की गिरावट देखने मिली लगातार। डिलीवरी स्टॉक में भी 4.39% की गिरावट देखने मिली। ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड में भी 4% की गिरावट देखने मिली। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव नोट में बंद हुए। तो ये थे आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स।